इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एक ऐसी हरकत हुई है जिसको लेकर अब आने वाले कुछ दिनों में तालिबान और पाकिस्तान की जो सरकार है उसके बीच बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है, या यूं कहिए कि ये एक तरह के नए तरह की जंग की शुरुआत है। इसकी शुरुआत की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने डुरंड लाइन पर एक ऐसी हरकत की है जिससे मामला, जो रिश्ता है तालिबान और पाकिस्तान के बीच का, वो बिल्कुल खराब हो सकता है, क्योंकि डुरंड लाइन वो लाइन है जिसे अफगानिस्तान के लोग, तालिबान, पूर्ववर्ती अफगानिस्तानी सरकारें उसे मान्यता नहीं देती हैं, उसे नहीं मानती हैं, जबकि पाकिस्तान जो है डुरंड लाइन पर बाड़ लगाने का काम कर रहा है और इसका हाल में खूब विरोध हुआ है। अब पाकिस्तान क्या यहां नई हरकत कर रहा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो बनेगा जंग का कारण, जो बनेगा झगड़े का कारण। खबर है कि पाकिस्तान डुरंड लाइन के पार अफगानिस्तान नागरिकों को पहचान पत्र जारी कर जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है। एक ओपिनियन पीस में लिखा गया है कि डुरंड सीमा के पार अफगान नागरिकों को नागरिकता जारी करके पाकिस्तान क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तन ला सकता है। पाकिस्तान द्वारा अफगान नागरिकों को जबरन पहचान पत्र जारी करना सिर्फ एक सत्तावादी कदम नहीं, बल्कि ये अफगान की संप्रभुता पर भी सवाल खड़े करता है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान कई चुनौतियों से घिरा हुआ है और इस मुश्किल समय में बाहर निकलने के लिए वो पाकिस्तान पर निर्भर है। ऐसे में पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाता हुआ दिखाई पड़ता है। द खामा प्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि बीते हफ्ते एक विश्वसनीय अफगान समाचार तार ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें लिखा गया कि डुरंड रेखा के पास दक्षिणी कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में लुकमान और जहांगीर गांवों को पाकिस्तानी पहचान पत्र जारी किए गए। पाकिस्तान ने पहले लुकमान और जहांगीर गांवों के आसपास के इलाकों को एक जनगणना अध्ययन शुरू किया था और दोनों को अपने क्षेत्र के होने का उसने दावा किया। जब अफगान सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये भयंकर युद्ध में बदल गया था। माना जाता है कि अफगानिस्तान की प्रांतीय सरकार ने इस मामले की अब जांच शुरू कर दी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं, जिसे 1890 के दशक में एक ब्रिटिश कर्नल के नाम पर रखा गया था। अब डुरंड रेखा के किनारे हजारों अफगान नागरिकों को पाकिस्तान से राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके पास पहले से वैध अफगान तरकी यानी कि राष्ट्रीय पहचान पत्र जिसे कहते हैं वो मौजूद है। इसके अलावा सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगाई गई बाढ़ से डुरंड रेखा के दोनों ओर के निवासी बुरी तरह प्रभावित बताए जा रहे हैं। दरअसल डुरंड रेखा पर 94% फेंसिंग का काम जो है वो पूरा हो चुका है, 6% ही फेंसिंग बची हुई है। और इसको ही जब कोशिश की जा रही थी ये फेंसिंग करने की डुरंड सीमा पर, तब तालिबान के तरफ से जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, जो उनके लड़ाके हैं, उन्होंने पाकिस्तानी साजो सामान को सीज कर लिया था। जो बाड़ेबंदी वहां की जा रही थी बाकी बचे हुए इलाके में, उसे तोड़फोड़ किया गया था और तालिबान के तरफ से चेतावनी जारी की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि हम तालिबान के साथ तमाम की बातचीत के बाद ही इस पूरे काम को करेंगे, इस काम को पूरा करेंगे विश्वास में लेकर तालिबान को। लेकिन अब जिस तरीके से एक अवैध पहचान पत्र जारी करके इलाके की स्थिति को बदलने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उससे यकीनन एक नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। इस मामले में जो अपडेट होगा सबसे पहले भारत तक आपको बताएगा। देखते रहिए भारत तक।